नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। फिर से बात करूंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। क्या इतने अभियानों के बावजूद भी हमारे देश में बेटियों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? खबर है करनाल के पास की, जहां इंद्री हलके के गांव टपराना में लड़कियों के लिए स्कूल में उचित व्यवस्था ना होने से लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रही हैं, जिसके चलते आज टपराना गांव से राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां 250 की संख्या में लघु सचिवालय पहुंची एवं जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जा रहा है वह निरंतर असफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लड़कियों के पढ़ने के लिए एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने कहा कि टपराना के स्कूल में टॉयलेट आदि की कोई भी सुविधा नहीं है तथा स्कूल में आने जाने में लड़कियों के साथ छेड़खानी या होती ही रहती है, जिससे उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल छोड़ने को विवश हो रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा बड़ी संख्या में लड़कियां टपराना स्कूल से पलायन कर जाएंगे या स्कूल छोड़ देंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों में आपसी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई छात्रों के बीच वारदात होती ही रहती है। इस सभी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने स्कूल में आने जाने के लिए लड़के व लड़कियों को उचित सुविधा देने की मांग भी की। इस मौके पर लड़कियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बात को तो बताएंगे ना, आते हैं एहसान आएंगे एक बार, जब तक वो आते हैं ना हमारे डीओ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर, तो तब तक आप 5 घंटे के लिए साहब के नॉलेज में डालते हैं, डीओ साहब आएंगे आज आपके साथ, यहाँ कोई बात नहीं, फिर खर्चा के फिर बाद में कसी जाती हैं। लड़कियां बहुत परेशान हैं और हम ऐसी बात नहीं है, प्रशासन को स्कूल में मिले भी है और मैडम ने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी। अभी क्या हुआ, जो हमारे गांव की बड़ी बेटियां हैं वो बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेटियां हमें बोल रही है कि हम नहीं पढ़ते आगे। हमने बड़ी मुश्किल से पूछा बेटा कारण क्या, इन्होंने बताया हम टॉयलेट जाए तब परेशानी, हम बाहर निकले तब परेशानी, हम खाना खाए लंच करें तब परेशानी, हम वहाँ खेतों में से स्कूल में जाए तब परेशानी। आप चाहे तो इन बच्चियों से क्या मांग हमारी मांग है, हमारे गांव में प्लस टू तक का स्कूल हो ताकि ये बेटियां पढ़ सके और आगे बढ़ सके और सुरक्षा महसूस करें। आज क्या करने आए हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं सर, हमारा स्कूल गांव में ही होना चाहिए 12th तक, क्योंकि 8th तक स्कूल है वहाँ पर, और डिग्री में इतनी परेशानी होती है आने जाने में भी और बैठने उठने में भी इतनी तकलीफ होती है ना, हम बहुत परेशान हो गए हैं। मम्मी पापा से एक बार बोला, दो बार बोला, अब हम रोज नहीं बोल सकते, हमने तो कह दिया हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि स्कूल में नहीं जाना, तुम घर पे बैठो, जब तुम्हें इतनी परेशानी होती है तो हमें पढ़ना चाहते हैं, हम घर पे नहीं बैठना चाहते, हम अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारी मोदी सरकार से यही प्रार्थना है डीसी साहब से कि हमारे स्कूल, हमारा टपराने में स्कूल बनाया जाए ताकि हम सेफ्टी से पढ़ सके, लिख सके और आगे बढ़ सके। फायदा क्या होगा और उस अभियान का क्या फायदा, उस जब अभियान चलाया है तो उस पर अमल भी करना चाहिए। बीजेपी सरकार ने 5 साल पहले नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर बेटियां पढ़ ही नहीं पाएंगी तो बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, बेटियां आगे कैसे बढ़ पाएंगी? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।